स्टूडेंट कैसे आप सब। आज मैं केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कुछ जो कॉन्सेप्ट थे वो अधूरे रह गए थे। आज हम कुछ बेसिक चीज़ों पर फिर से चर्चा करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आज मैं केमिस्ट्री में एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसका नाम है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएँ। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन की जाती है, वैसे तो अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं, लेकिन बेसिकली केमिस्ट्री में दो ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो ज़्यादा प्रचलित रहती हैं। अगर इनके बारे में हमने समझ लिया तो आगे की जो रिएक्शंस हैं जो आने वाली हैं तमाम चैप्टर्स में वो समझ में आ जाएंगी। उत्क्रमणीय में क्या होता है, जिसे आप पहला वर्ड समझिए इसका, इसमें रिवर्स लिखा हुआ है। रिवर्स का मतलब होता है कि जब आप कोई अभिक्रिया करवाएंगे तो वापस वही पदार्थ फिर से बन जाता है। एग्जांपल के लिए मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर, इसे लिखा हुआ है N2 प्लस का 3H2 रिवर्सिबल का साइन 2NH3। अब इसको जरा समझिए आप, क्या किया हमने, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के तीन मॉलिक्यूल, दोनों को जब मिला दिया तो यहाँ पे 2NH3 बन गया। अब इसका नाम क्या होता है, ये नाइट्रोजन हमारे पास, नाइट्रोजन ये है हाइड्रोजन और ये हमारे पास अमोनिया है। लेकिन चर्चा का विषय ये नहीं है, समझना क्या है, समझना बेसिकली इसमें ये है कि आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। ये जो साइन आप देख रहे हैं, रिवर्सिबल का साइन बोलते हैं इसको हम लोग, उत्क्रमणीय का चिन्ह। इस चिन्ह से हमें ये पता चलता है कि जो अभिक्रिया हम करवाने जा रहे हैं, अब N2 प्लस का 3H2, ये जो देख रहे हैं आप N2 प्लस 3H2, एक नाइट्रोजन है और तीन भाग हाइड्रोजन है, इनको हम बोलते हैं अभिकारक। कहने का मतलब क्या है, ऐसा कारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया को बनने में सहायक हैं ये। इसके बाद यहाँ पे उत्क्रमणीय का साइन लगा हुआ है जो हमें ये बताता है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ पे क्या बन गया आपका, अमोनिया बन गया। अब ये अभिकारक हो गया और जो बना उसको हम कहते हैं उत्पाद। इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये है आपका अभिकारक। बेसिकली बोलने से वैसे समझ में आ रहा होगा आपको कि कुछ ऐसा इसमें है नहीं। आप जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और यहाँ रखना चाहूँगा मैं, जैसे कि लिखा हुआ है SO2 2SO2 प्लस का O2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड प्लस का ऑक्सीजन, रिवर्सिबल का साइन लगाया, इसको हमने क्या कर दिया 2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस का ऑक्सीजन और ये बना आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये जो होंगे हमारे क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे नंबर एक, नंबर दूसरा, और ये है हमारा उत्पाद। नाम क्या है इसका, इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है ऑक्सीजन और ये हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि 3 लगा हुआ है इसके नीचे इसलिए इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाई में हमेशा 2 होता है तो हम जान जाएंगे कि ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ऑक्सीजन तो आप बेसिकली जानते हैं क्या होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब उत्क्रमणीय हमें समझ में आ गया, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे अनुत्क्रमणीय। जैसा कि इसमें क्या था, उल्टा प्रोसेस था, यानी जो चीज एक बार बन रही थी दोबारा हम उसको उसी में परिवर्तित कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पे समझाने के लिए मैं कर दूँ कि N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल का साइन 2NH3, तो अगर हमने इससे इनको बनाया है तो इससे इसको भी बदला जा सकता है, यानी N2 प्लस 3H2 दोनों ये टूट गए। अब वैसे तो हमने पढ़ा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, लेकिन एक प्रकार का औद्योगिक प्रोसेस है ये, जो कि विस्तार से आगे अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अभी आप इसको जान लीजिए, इसका मतलब उत्पाद से अभिकारक
बन रहा है और अभिकारक से उत्पाद भी बन रहा है, इसलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी उल्टा प्रोसेस है। इसके बाद जो अगला है इसका अभिक्रियाओं में, हम उस पर बात करेंगे, जरा देख लीजिए। इसको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय हो गया। अब है आपका अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जरा शॉर्टकट में समझिए। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए H2 + Cl2 → HCl, चिन्ह चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर उसमें क्या था, दो तीर बने थे, यहाँ पे केवल एक ही तीर बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, H2 + Cl2 = HCl। अब इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि अगर आपने H2 + Cl2 → HCl बना लिया तो HCl से H2 + Cl2 भी बना लें, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। बस आपको याद क्या रखना है कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, तथा अभिकारक से उत्पाद को दोबारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी एक बार अभिकारक से उत्पाद बन गया तो उत्पाद से अभिकारक को बनाया नहीं जा सकता है, इतना आपको याद रखना है। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम यहाँ पर। एक एग्जाम्पल ये हो गया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया N2 + O2, क्या बना N2O2, सिंपल सी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। एक दो नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, ये क्या बनेगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका नाम जरा जाने का कंफ्यूजन इसमें इसलिए हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। अब इसमें कई प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया है कि मोनो भी होगा। कभी कभार क्या होता है, जब एक ऑक्सीजन होता है, यानी मात्रा किसी तत्व की एक होती है, उसको मोनो बोलते हैं। यानी एक होगा, केमिस्ट्री में क्या होता है, एक होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, मोनो कहेंगे, दो होगा तो डाई कहेंगे। यही फॉर्मूला IUPAC में भी अप्लाई होता है। तीसरा क्या है, इसको ट्राई कहेंगे। चार होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, टेट्रा कहेंगे। बेसिकली आप सुन लीजिए, सुनने समझ में आ जाएगा। पांच होगा तो, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, पांच होगा तो पेंटा, छः होगा तो हेक्सा, सात होगा तो हेप्टा, आठ होगा तो ऑक्टा, नौ होगा तो नॉन, दस होगा तो डेक। इतना आपको याद रखना है।